नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा और ऑलिव बोर्ड के इस एक्सक्लूसिव सेशन में, इस एक्सक्लूसिव चैनल पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट सेशन में मैराथन किया था मॉड्यूल ए का। हम ऑलरेडी मैकमिलन बुक के 22 चैप्टर्स कर चुके हैं और कंटेंट हमारा चल रहा है। बहुत जल्दी मैं आपके लिए JIB की समरी लेक्चर्स भी लाने वाला हूं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले कुछ छोटी छोटी बातें जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं। देखिए, ऑलिव बोर्ड की मेहनत को आपकी लाइक की जरूरत है। उम्मीद करता हूं आप जब भी सेशन ज्वाइन करते होंगे तो सेशन को लाइक करते हुए ही करते होंगे। सेशन को लाइक जरूर करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जो कि फॉरेक्स अर्थमेटिक्स से रिलेटेड है। जनरल बातें कुछ। कोई भी साथी आपका पेड बैचेस लेना चाहता है, आपके एग्जाम सर पे है, PDY कोड यूज करके वो मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकता है। ओके, सो इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ दोस्तों हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन को जैसे ही आप जुड़ते जाएं, लाइक करते जाएं, अपने सर्किल में भी इसे जरूर फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ऑलिव बोर्ड के बिहाफ पर मैं प्रद्युम्न शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, बहुत अच्छे, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। When the exchange of currencies take place on the next working day, it is known as. तो जब भी foreign exchange market में currencies का सौदा किया जाता है, डॉलर के बदले में रुपया, रुपये के बदले में पाउंड, पाउंड के बदले में येन, जब ये एक्सचेंज किया जाता है तो कुछ सौदे किए जाते हैं जैसे स्पॉट। तो स्पॉट का मतलब क्या है वो समझिएगा आप, कि जिस दिन आपने ट्रेड किया +2, तो T+2 को स्पॉट कहा जाता है और T+1 को टॉम कहा जाता है, टुमोरो। ठीक है, कैश मतलब ये हैंड डिलीवरी के लिए यूज होता है और रेडी जो टर्म है वो प्रॉपर्टी के मार्केट में यूज होती है। प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड वैल्यू को रेडी वैल्यू के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो चारों ऑप्शन दिए हैं ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चारों का मीनिंग आपको समझना है। तो जब भी करेंसीज को नेक्स्ट वर्किंग डे, बिल्कुल नेक्स्ट डे जब हम सेटल कर रहे हैं, तो यस, बाकी के साथियों से भी उम्मीद है जवाब देते जाएं, सेशन को लाइक करते जाएं। याद रखिएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि मैं वेरी नेक्स्ट डे सौदा सेटल कर रहा हूं। तो जब भी सौदे को बहुत नेक्स्ट डे में सेटल करता हूं तो दैट इज कॉल्ड टॉम रेट या टॉम ट्रांजेक्शन हम इसको कहते हैं। अभिषेक जी, बिल्कुल सही जवाब था आपका। नेक्स्ट, व्हेन द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टेक प्लेस द सेकेंड वर्किंग डे, अभी अभी समझाया मैंने आप, मैंने ये चारों आपको समझाया, स्पॉट के बारे में बताया ही क्या मैंने आप, कि जब आप ट्रांजेक्शन +2, तो T+2 सेटलमेंट जहां होता है, सो T+2 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्पॉट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि सेकंड वर्किंग डे की जब बात होगी तो नाम क्या हो जाएगा, स्पॉट। जब भी नेक्स्ट वर्किंग डे की ट्रांजेक्शन +1 अगले ही दिन अगर सेटल हो रहा है तो उसको हमने क्या नाम दिया था, टॉम। और ट्रांजेक्शन के डे पर ही अगर सेटल हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैश। और प्रॉपर्टी मार्केट की स्टैंडर्ड वैल्यूएशन को हम क्या बोलते हैं, रेडी। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सही अभिषेक जी, बाकी के साथियों से भी उम्मीद है पार्टिसिपेट करना शुरू करें जल्दी से और सेशन को लाइक फटाफट से सब लोग कर ले, जुड़ते जाए, लाइक करते जाए। Which of the following statement is correct about the forward rate? इनमें से कौन सा statement forward rate के बारे में सही है, correct पूछा है हमसे, ठीक है? तो in one direct rate, if the forward rate is more than the spot rate, the base currency is on premium. बिल्कुल सही statement है ये। क्या? कि अगर मान लीजिए spot rate से ज़्यादा forward rate की कीमत है, तो मतलब आपकी currency premium पे। चांसेस हैं फ्यूचर में रेट बढ़ेगा, तो किसी चीज का अगर फ्यूचर में रेट बढ़ने के चांसेस हैं तो वो प्रीमियम पे सेल होती है।
अगर मान लीजिए फॉरवर्ड रेट लेस देन स्पॉट रेट है, लेस देन स्पॉट रेट है मतलब डिस्काउंट पे है, नहीं अभिषेक जी बिल्कुल गलत, अगर अगर मार्केट में जो स्पॉट का वैल्यू है, स्पॉट का वैल्यू फॉरवर्ड के वैल्यू से, फॉरवर्ड का वैल्यू स्पॉट के वैल्यू से कम है, फॉरवर्ड का वैल्यू स्पॉट के वैल्यू से कम है मतलब डिस्काउंट पे, मतलब आपकी करेंसी की फ्यूचर में डिमांड कम है तो आज उसको सस्ता बेचना पड़ेगा। तो ए और बी दोनों करेक्ट है तो आंसर तो बन गया, अगर दो करेक्ट है तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर भी हम सी पॉइंट को पढ़ लेते हैं। द फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट एक्सप्रेस इन द बेसिस पॉइंट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड पॉइंट। बिल्कुल, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन पॉइंट नाम से फॉरवर्ड पॉइंट नाम से इस गैप को बुलाया जाता है। अब ये फॉरवर्ड पॉइंट्स अगर पॉजिटिव है तो इसको बोलते हैं हम प्रीमियम, और अगर नेगेटिव है तो इसको बोलते हैं हम डिस्काउंट। ओके, जो हमारा आंसर है थर्ड क्वेश्चन का वो डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सेशन से जुड़ते जाएं, लाइक जरूर करते जाएं, अपने सर्किल में इसे जरूर फॉरवर्ड कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द फॉरवर्ड पॉइंट्स, इनमें से कौन सा फैक्टर फॉरवर्ड पॉइंट को तय करता है, इनमें से क्या है जो फॉरवर्ड पॉइंट के फिक्सेशन में बड़ी हेल्प करता है। सप्लाई एंड डिमांड फॉर द करेंसी फॉर द सेटलमेंट डेट, तो बिल्कुल फ्यूचर में आपकी करेंसी की डिमांड कितनी है इसी पे डिपेंड करेगा कि फॉरवर्ड पॉइंट प्रीमियम पे होंगे या डिस्काउंट पे होंगे। मार्केट व्यू द एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर, देखो एक तो होती है आपकी सेटलमेंट डेट कि आज से 6 महीने के बाद मैं आपको $20,000 दूंगा, तो एट द 6th month पॉइंट मार्केट में, मेरे मार्केट में डॉलर की क्या डिमांड है, रुपए की क्या डिमांड है। मार्केट व्यू अदर फैक्टर्स ऑफ द मार्केट लाइक कॉम्पिटिटर्स, लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विद द RBI, लाइक इकोनॉमिक कंडीशंस, ये फ्यूचर में कैसी रहनी है, दैट इज मार्केट व्यू। अगेन किसी भी करेंसी का प्रीमियम और डिस्काउंट उस कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो यस मार्केट व्यू इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर। द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन द कंट्रीज, बिल्कुल देखो किसी भी इकोनॉमी में करेंसी का बढ़ना या गिरना इसी बात पे डिपेंड करता है कि होम कंट्री, एक तो होती है होम कंट्री और एक होती है फॉरेन कंट्री, तो इंटरेस्ट रेट के गैप की वजह से ही इनके बीच में जो गैप होगा, इस गैप की वजह से ही एक प्रोसेस खेला जाता है जिसका नाम है आर्बिट्रेज, और ये आर्बिट्रेज की वजह से ही या तो फॉरवर्ड पॉइंट्स पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो यस ए बी सी तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। पहले 4 क्वेश्चन, पहला टॉपिक आज का टॉपिक नंबर 23। टॉपिक नंबर 25 की तरफ हम बढ़ते हैं। सर यह सस्ता परचेज करके महंगा बेचेंगे, यही आर्बिट्रेज है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अब हम कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन भी करेंगे। अब हम रोजाना दो दो तीन तीन टॉपिक करेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना, आपका एग्जाम आपकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है, तो हम रोज के दो दो तीन तीन टॉपिक जरूर कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, डिसीजन ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। खास बात आप देखिएगा कि हम मॉड्यूल सी के लगभग एंड पर पहुंच रहे हैं। डिसीजन ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज अफेक्टेड बाय, तो किसी भी, देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो, उस कंपनी में डेट और इक्विटी के बीच में कितना कितना रेशियो है, ये डिसीजन ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज अफेक्टेड बाय बैंकिंग रिक्वायरमेंट, पहला। सेकेंड है हमारा कॉस्ट ऑफ द डेट, तीसरा है हमारा टैक्सेशन। So, देखिए बैंकिंग रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि आपको मार्केट में बैंक से लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कॉस्ट ऑफ द डेट आपको पब्लिक से लोन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और टैक्स का रेट, गवर्नमेंट का क्या नजरिया है आपके बिजनेस को लेकर। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब डेट इक्विटी उस ऑर्गेनाइजेशन का इस बात पर डिपेंड करेगा
कि उसको बैंकिंग सेक्टर से क्या सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक से कितना उसको पैसा मिल रहा है, और कॉस्ट क्या आ रही है उसकी, पब्लिक कॉस्ट कितनी है, सरकार कितना हिस्सा ले जा रही है। तो यस डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को याद रखिएगा, केई के नाम से बुलाया जाता है। इनमें से कौन सा वो मेथड है जो केई कैलकुलेट करने में यूज नहीं किया जाता, क्वेश्चन नंबर टू। देखिए, नेट इनकम अप्रोच, सेकंड बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच, डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच और अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच, इन तीनों को यूज किया जाता है, इसे यूज नहीं किया जाता। ये कैपिटल स्ट्रक्चर का टेक्निक है, इससे फर्म की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, ये वैल्यू मेथड है। ठीक है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम को सीएपीएम नाम से भी जाना जाता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल भी इसको कहते हैं। डिविडेंड अप्रोच, मिस्टर गॉर्डन ने ये अप्रोच दिया था, बड़ा फेमस नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्निंग प्राइस रेशियो, अर्निंग प्राइस रेशियो, इसको पीई रेशियो बोलते हैं हम लोग, फॉर्मूला बड़ा आसान है, एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस से हमको जो है वैल्यू मिलती है। तो ए ये पूछा था इसने, नॉट यूज, तो ए हमारा करेक्ट आंसर इस केस में होगा। आई होप आपने सेशन को लाइक जरूर कर लिया है, और सर्किल में दोस्तों में भी इसे फॉरवर्ड कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज इज नॉट यूज्ड फॉर डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखो, सेम क्वेश्चन है वापस, इनमें से कौन सी अप्रोच है जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, पर ध्यान रखना पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, पिछले क्वेश्चन में पूछा था ऐसा कौन सा मेथड है जो केई कैलकुलेट करने में यूज नहीं होता। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कौन सा है जो कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज नहीं होता। तो नेट इनकम अप्रोच यूज होती है, नेट ऑपरेटिंग अप्रोच भी यूज होती है, एडिशनल अप्रोच भी यूज, ट्रेडिशनल अप्रोच भी यूज होती है, लेकिन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का मॉडल है। क्या कैलकुलेट करता है ये, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्योंकि ये केई का मेथड है, इसीलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही अभिषेक जी, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी की तीनों मेथड कैपिटल स्ट्रक्चर यूज करने में काम आती है। नेक्स्ट, Which one of the following provides a tax shield? इनमें से वो कौन सा एक ऐसा टूल है जिससे कि आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, मतलब टैक्स का एडवांटेज इनमें से कौन से इन्वेस्टमेंट पर मिलता है। बॉन्ड्स पर इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बिल्कुल पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है, जब भी कोई खर्चा होगा तो टैक्स में बचत हो जाती है। टैक्स शील्ड का मतलब समझ रहे हो आप, टैक्स एडवांटेज। तो ये इंटरेस्ट बॉन्ड का हो, चाहे एफडी का हो, चाहे किसी भी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का क्यों ना हो, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट पे करता है तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा है। एक्सपेंडिचर जब भी होगा, देखो आप कोई भी खर्चा करोगे तो डेबिट साइड में लिखोगे, डेबिट साइड में लिखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस कम हो जाएगा, पीएनएल अगर कम हो जाएगा तो आपका टैक्स बचेगा। और यही तो वो पूछ रहा है कि इनमें से वो क्या है जो टैक्स की सेविंग करवाता है। तो डी, ऑल द मेथड्स, ऑल द पॉइंट्स आपको टैक्स सेविंग करवाते हैं, क्योंकि ये सभी एक कंपनी के लिए खर्चे हैं। कंपनी को बॉन्ड पर भी टैक्स देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, एफडी पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट पर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट है जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी के पास पैसा डिपॉजिट करवाती है, उस पर भी डिपॉजिट लेने वाली कंपनी को ब्याज देना पड़ता है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5,
तो रिटेन्ड अर्निंग ऑफ अ फर्म हैव लो कॉस्ट व्हाइल अराइविंग एट अ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये गलत बात है, करेक्ट पूछा है ना हमसे, तो गलत बात है। आप अपनी ही सेविंग्स का पैसा जब अपने ही बिजनेस में लगाओगे तो ये कह रहा है उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, होती है फाइनेंस में उसकी कॉस्ट होती है, और उस कॉस्ट को रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट को नाम दिया जाता है के आर, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूसेस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिल्कुल गलत। फ्लोटेशन कॉस्ट तो आपका खर्चा है, जब भी आप खर्च करते हो, फ्लोटेशन कॉस्ट को आसान भाषा में समझिए आप, किसी भी इक्विटी डिबेंचर या प्रेफरेंस को इशू करने में जो खर्चा आता है, इशू कॉस्ट बोलते हैं इसे, कोई भी डॉक्यूमेंट मार्केट में इशू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केट के अंदर प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एडवर्टीजमेंट, इनमें इनमें पैसा खर्च करना पड़ता है, अंडरराइटर्स को कमीशन देना पड़ता है, ब्रोकर्स को कमीशन देना पड़ता है, ये जो खर्चे हैं इनको फ्लोटेशन कॉस्ट कहा जाता है। तो ये गलत बात है कि ये रिड्यूस करता है, ये बढ़ाता है, रिड्यूस नहीं करता, इंक्रीज करता है। उसके बाद नॉर्मली द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, नॉर्मली कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, हमसे क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, और ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमेशा एक कंपनी को इक्विटी महंगी पड़ती है और डेट सस्ता पड़ता है, ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा ज़्यादा होती है और डेट हमेशा कम होता है। डेट में तो फिक्स इंटरेस्ट देना है आपको, जबकि इक्विटी कैपिटल में आपको इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस को मैच करना है, इसलिए इक्विटी हमेशा महंगी मिलती है। टैक्सेशन इज नॉट अ कंसिडरेशन वाइल डिसाइडिंग द कैप, बिल्कुल टैक्स को तो हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा अभिषेक जी, डी नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, बिना टैक्स को कंसिडर किए आप मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते, तो सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए समय है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजर टेक्स इनटू अकाउंट टाइम ऑफ मनी वैल्यू, तो इनमें से कौन सा मेथड है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग के मेथड को यूज करता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा एआरआर के अंदर, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के अंदर, ऐसा कोई अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो होता है मेथड, इसमें एवरेज पीएटी लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो कोई भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसमें काम में नहीं आता, तो ए हमारा गलत आंसर है। यस, आईआरआर जो है, बिल्कुल अंकित जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। आईआरआर एक ऐसा मेथड है जिसमें डिस्काउंटिंग की जाती है, तो हम इसमें डिस्काउंटिंग करते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। पेबैक में भी कोई डिस्काउंटिंग नहीं की जाती, इसमें क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज बनाए जाते हैं, बस CCF के थ्रू निकाला जाता है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सेशन को लाइक आपने कर दिया है और अपने सर्किल में फॉरवर्ड भी कर ही दिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, हम तीसरे टॉपिक को कर रहे हैं, जो लोग लेट जुड़ पाए हैं प्लीज आई रिक्वेस्ट कि वो सेशन को रिकॉर्डेड मोड में जरूर देखें। स्टार्टिंग में हमने दो टॉपिक किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इनमें से क्या सही नहीं है। ओके, इट हैज लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड का मतलब, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता है, जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है द गैप पीरियड, के लंबा समय लेता है एक कोई भी प्रोजेक्ट, तो ये तो ट्रू है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे रोड बनाना, ब्रिज बनाना, डैम बनाना, लंबा समय इनके अंदर लगता है। इट रिड्यूसेस द रिस्क फॉर द लैंडरर एज हिज फंड्स गेट अश्योर्ड डिप्लॉयमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखिए ये गलत स्टेटमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अगर सक्सेसफुल हुए तो पैसा मिलेगा, अगर वो फेल हो गए तो पैसा नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा हमसे नॉट ट्रू पूछा था, तो हमारा जो आंसर है वो बी हो जाएगा। बी स्टेटमेंट एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो पैसा देने वाला है, लैंडर जो है पैसे का, उसका पैसा बिल्कुल भी सेफ एंड श्योर नहीं होता। अगर प्रोजेक्ट अच्छा चलेगा तो कमाएगा, नहीं चलेगा तो नहीं कमाएगा।
सी नहीं होगा अभिषेक जी, सी नॉर्मली द डेट इक्विटी रेशियो इज हायर फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनियां क्या करती हैं, लोन से ज्यादा पैसा लेती हैं और जेब से कम लगाती हैं, क्योंकि जेब में इतना पैसा होता ही नहीं है किसी के। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ब्रिज, डैम कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, तो लोन के अमाउंट से ही चलते हैं। Which of the following is not a source of funds for meeting the cost of purchase of fixed asset by an enterprise? तो आप समझिएगा, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आप फिक्स एसेट्स के लिए मार्केट से पैसा लाओगे, तो एक तो जिस बंदे से आप एसेट ले रहे हो उसी से उधार ले लो, तो ये तो बिल्कुल सही तरीका है। उसने पूछा नॉट अ सोर्स पूछा, तो ये तो बिल्कुल सोर्स है कि जिससे मैं एसेट लाया हूँ। इंटरनल अक्रूवल्स मतलब मेरे पास रिजर्व में पैसा रखा है, मेरे पास प्रॉफिट रखा है, तो उस प्रॉफिट को यूज करके मैं परचेज कर सकता हूँ। डिबेंचर्स मार्केट से लोन लेके एसेट खरीद सकता हूँ, पब्लिक से पैसा लेके, बिल्कुल। लेकिन डीपीजी, आई होप बैंकिंग वाले हैं आप लोग, डीपीजी से आप लोग फैमिलियर हैं। डीपीजी का मतलब होता है डेफर्ड पेमेंट गारंटी। तो ये गारंटी है, ये कोई फंड नहीं है। डेफर्ड पेमेंट गारंटी स्कीम जो है, इससे आप फिक्स एसेट्स नहीं खरीद सकते। ये लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ कई बार यूज की जाने वाली टर्म है, लेकिन यहाँ कोई एक्चुअल मनी की लेंडिंग नहीं होती। ये एक तरीके का गारंटी का सिस्टम है, जहाँ पे बैंक आपके फेवर में बस गारंटी दे रहा है, कोई पैसा नहीं दे रहा। बैंक तब पैसा देगा जब आप डिफॉल्ट करेंगे। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो इंडिकेटिव ऑफ द रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर। जिस बंदे ने आपसे पैसा उधार लिया है उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी, देखो आपने पिछले वाले का आंसर आई होप आपको क्लियर है, डी इसका आंसर था। रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर को जब हम जज करेंगे, जब भी हम रीपेमेंट कैपेसिटी को जज करेंगे, तो कौन सा लोन, कौन सा रेशियो हम यूज करते हैं, विच रेशियो इज एक्चुअली यूज, यस DSCR, दैट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ठीक है, क्विक रेशियो यूज नहीं करते। क्विक रेशियो तो करंट के लिए यूज किया जाता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो यूज किया जाता है। ये TOL का मतलब है टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी का रेशियो टोटल टेंजिबल नेटवर्थ के साथ। TOL टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी एंड TNW इट्स दी टेंजिबल नेटवर्थ। तो आउटसाइड लाइबिलिटी और नेटवर्थ का जो कनेक्शन है वो तो डेट इक्विटी रेशियो हो गया आपका एक तरीके से। ठीक है, तो ये काम नहीं आता, DSCR हमारे काम में आता है। नेक्स्ट, इफ द रीपेमेंट पीरियड ऑफ एन एग्जिस्टिंग टर्म लोन इज इंक्रीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर एक एग्जिस्टिंग टर्म लोन के लिए रीपेमेंट पीरियड को बढ़ा दिया जाए, इसका इम्पैक्ट क्या होगा DSCR पे, डेट सर्विस कवरेज रेशियो पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। आप एक लोन था जो 5 साल में पे करना था, अब उसका टाइम पीरियड आपने 2 साल के लिए बढ़ा दिया, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, DSCR क्या होगा। देखो DSCR अल्टीमेटली क्या है, इंटरेस्ट का पेमेंट आपने टाइम बढ़ा दिया, तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट का टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, तो इट विल इंक्रीज। ए विल बी दी करेक्ट आंसर, ए हमारा आंसर हो जाएगा, फिफ्थ में ए आएगा, ध्यान रखिएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये सेम कैसे रहेगा, आपने टाइम पीरियड बढ़ा दिया ना, आपने अगर टाइम पीरियड इंक्रीज कर दिया, तो याद रखिए टाइम पीरियड बढ़ने पर DSCR का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, डेट सर्विस कवरेज रेशियो भी बढ़ जाएगा। तो ये हमने आज 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम रोजाना कोशिश करेंगे, अब हम 3-3 टॉपिक करेंगे, ये टॉपिक नंबर 25 तक हम पहुंच गए। नहीं, सी नहीं आएगा, इट विल रिमेन सेम, नहीं हो सकता अभिषेक जी, ये ए आएगा आंसर में। ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप आपने सेशन को लाइक कर लिया है, आप लोग इसको अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कीजिए। इंपॉर्टेंट सेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका रीजन ये है, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंस के हमने आज कवर किए हैं।
आप अपने दोस्तों में इसे फॉरवर्ड कीजिए। कल नए 3 टॉपिक के साथ मैकमिलन बुक के हम फिर मिलेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट नाइट, बाय बाय।